हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं मेरे माइनक्राफ्ट का पहला सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे सिस्टर के साथ। आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय करेंगे, तो पूरे एंड तक वीडियो को देखना और चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मेरा ब्रांड न्यू वर्ल्ड लोड हो चुका है और मेरी सिस्टर अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाई, पर शायद हो जाएगी कुछ देर में। अभी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। और अच्छा, ज्वाइन कर गई। अब इधर आ, तू पहले मेरे सामने आ, मतलब मैं तेरे सामने आता हूँ। अबे यार, अपना कोई पर्सनल स्किन बनाना रे। और उसके बाद मैंने जब बोनस चेस्ट ओपन किया, बहुत ही अच्छा लूट था उसमें। और फिर मैंने मेरे सारे बेकार चीज़ मेरे सिस्टर को दान कर दिए और उसको बहुत ही पसंद आया। और उसके बाद मैं चला गया वुड माइन करने और मैंने बहुत सारे पेड़ तोड़े और बहुत सारा वुड मेरे पास कलेक्ट हो गया था। फिर मुझे एक शीप दिखाई दे रहा था, पर उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसके पास एक बच्चा था। पर अगर बच्चा नहीं होता तो आज उसका काम तमाम हो जाता। और फिर मैंने फिर से थोड़ा वुड कलेक्ट कर लिया। अब यार रात हो गई है, तो क्या कर रही है? दाई तरफ खोज जल्दी से। अरे यार, मैं दाई तरफ ही माइंड कर रही हूँ, इतनी जल्दी क्यों हो रही है तुझे? रुक जाना थोड़ा। अबे बाहर भी क्रीपर वीपर घूम रहे होंगे, स्केलेटन आ जाएंगे, इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ माइंड कर मेरी माँ। गुड गर्ल, गुड गर्ल। अभी मैं कवर कर लेता हूँ जल्दी से। वुड मेरे पास किधर गया? अच्छा, वुड से कवर कर लिया, अब टेंशन नहीं है कोई। फिर मैंने थोड़ा स्टोन माइन कर लिया, जो टूल्स और फर्नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उसके बाद मैंने एक फर्नेस, एक सोर्ड, एक एक्स और एक पिकैक्स बना लिया। पर तब मैंने नोटिस नहीं किया था कि मेरे सिस्टर ने ऑलरेडी मेरे को एक सोर्ड दे दिया, पर फिर भी मैंने एक सोर्ड बना लिया। और उसके बाद मैंने बीफ और चिकन को रोस्ट कर लिया। और फिर मैंने नोटिस किया कि इस गधी ने बहुत ही काम की चीज़ यानी एक कैंप फायर बना लिया था। और फिर दिन हो गया था, इसलिए मैं बाहर एक्सप्लोर करने आ गया। और फिर मुझे मिल गया एक रॉटन फ्लैश। और उसके बाद मैं सामने जा रहा था और मेरी दीदी अंदर ही बैठी थी, और मैं आगे जा रहा था और देखो मुझे क्या दिख गया। और फिर मैंने सोच लिया कि मैं इसको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से पानी में ले जाकर ब्लास्ट करवा दूंगा और ये भी मर जाएगा, मुझे कोई डैमेज भी नहीं मिलेगा। और फिर मैंने वही किया। फिर मैंने प्लान किया कि मुझे ऊपर एक बेस बनाना है, इसलिए मैंने नीचे से सारी चीज़ें तोड़ लिए। और पता नहीं मेरी सिस्टर क्यों फ्लैश हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ रही थी, पता नहीं शायद लैग कर रहा था ये। और फिर मैं फ्लैट जगह ढूंढने के लिए निकल गया, पर मैं शुक्रगुजार था कि सामने में ही मेरे को फ्लैट बेस मिल गया और मैंने थोड़ा सा डर्ट को वहाँ से क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद रात हो गई थी, इसलिए हमने दो बेड बना लिए और दोनों ही सो गए। और फिर हमने सोने के बाद अगले सुबह ही घर का काम शुरू किया। गुड मॉर्निंग गाइस, और अगली सुबह मैंने घर का काम शुरू कर दिया। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस टाइम लैप्स को। तो घर बनाना था ना, तो मैं बस बैठ के देख रही थी। अबे मैं इतनी देर से घर बना रहा था मेहनत करके, और तू ऊपर बैठ के तमाशा देख रही थी मेरा। हाँ, मैंने देखा तू काम कर रहा है और मैंने सोचा थोड़ा चिल मार लूँ ऊपर बैठ के। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मतलब तेरा भाई काम करके मर जाए, तेरे को कोई आता जाता नहीं है, तू सिर्फ चिल करेगी ऊपर बैठ के। और गाइस, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने अभी तक घर का दरवाज़ा ही नहीं बनाया। तो दरवाज़ा बनाने के बाद मैंने छत का और थोड़ा डेकोरेशन किया, वो मैं बाद में दिखा देता हूँ। दरवाज़ा बनाना कोई कैसे भूल सकता है? अबे चुप करना। अबे देख, तेरे साथ बात करते करते मैं भूल गया था कि ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए था। मैंने यहाँ पर सीढ़ी लगा दिया गाइस, पर सीढ़ियाँ थोड़ी कम पड़ रही थी तो मैंने और थोड़े बना लिए। हाँ, और मैंने बनाने के साथ साथ लगा भी दिए। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। हाँ, तो फर्स्ट फ्लोर का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं, इस तरफ सवाना, उस तरफ रिवर, इस तरफ जंगल, और इसने देखो दरवाज़ा कैसा किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से तो।
हाँ सुन सुन, मैंने ना खिड़कियों के ऊपर का काम कर दिया है। अच्छा देखो जरा। हाँ हाँ देख के जा। मैंने तो उस तरफ कर दिया। ये कैसा किया है? ये एकदम बेकार टाइप का हुआ है, मैं ठीक कर देता हूँ यार। इसको कोई आइडिया नहीं है, इसको कोई आइडिया नहीं है कैसा करना चाहिए। ये कुछ काम ठीक से नहीं करती। और फिर मैंने बहुत सारा स्टैंड कलेक्ट कर लिया और झट से घर में आ गया स्टैंड्स को रखने और ग्लास बनाने। अब यार ये डेकोरेशन तो अच्छा किया तूने लाइट का, बहुत ही अच्छा लग रहा है सच्ची में। हाँ हाँ पता है, अच्छा काम ही करती हूँ, तेरे को बस हमेशा दिख नहीं जाता वो। हाँ बहुत अच्छी बात की है तूने। और उसके बाद मैंने सैंड्स को सीमेंट होने के लिए रख दिया ताकि ग्लास तैयार हो सके और मैं खिड़कियों पर ग्लास लगा सकूँ। और अचानक से रात होने वाली थी, पर मेरी दीदी लेफ्ट हो गई थी, पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन पोर्ट था बहुत, तो वो ज्वाइन करने से पहले मैं सो जाता हूँ, पर वो अचानक से ज्वाइन कर गई, वो अचानक से फ्लैश की स्पीड में सो गई। और गुड मॉर्निंग गाइस, अबे तू बाहर क्यों बुला रही है मेरे को? ये क्या कमोड बना के रख दिया दरवाजे के सामने, अबे ये क्या है? अरे मैं क्या कमोड, मैं इसको तोड़ने वाला हूँ बाद में। अभी मैं खिड़कियाँ लगा लूँ फिर मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, टेंशन मत ले। उसके बाद मैंने झट से सारी खिड़कियाँ लगा लिए और उसके बाद घर का डिजाइन कुछ ऐसा लग रहा था, पर इसको भी मैं चेंज करने वाला हूँ। तो मेरी दीदी अभी छत में है तो मैं छुप के इसका कमोड तोड़ डालता हूँ, बहुत ही घटिया लग रहा है। अब यार मुझे पता था, इसको देखो अभी ये माइंड कर गई और इसने खुद ही तोड़ दिया, बुरा लगता है इसलिए। गाइस उसके बाद मैंने कुछ फ्लावर पॉट्स बना लिया और घर का डिज़ाइन कुछ ऐसा कर दिया तो दिखने में एपिक लग रहा था। उसके बाद रात हो गई इसलिए हम आके घर में सो गए। सो गाइस मैं अपने माइनक्राफ्ट सीरीज़ के सीज़न 1 का पार्ट 1 ख़त्म करना चाहता हूँ और ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना मेरे वीडियो को। तब तक के लिए सायोनारा।